हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में आपने बिशप स्लीव्स एंड लैंटर्न स्लीव्स का ड्राफ्ट सीखा था। आज हम लेगो मटल स्लीव्स का ड्राफ्ट सीखेंगे। लेगो मटल स्लीव्स, दिस इज अ वेरी क्लासिक स्टाइल ऑफ स्लीव्स सीन इन फैशन इंडस्ट्रीज। आप सेंटर पे एक इमेज देख रहे हो, सो उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये स्लीव्स कौन से एरा में स्टार्ट हुए थे। ओके, तो अराउंड 15 to 16 के एरा में ये स्लीव्स इंट्रोड्यूस हुए थे। मोस्टली विक्टोरियन प्रिंस उनके गारमेंट्स में ये स्लीव्स आपको दिखती है। लेगो मटन स्लीव्स मेंस वेयर एंड वुमेंस वेयर बोथ स्टाइल में यूज होती थी तब के स्टाइल में। ओके, सो लेगो मटन स्लीव्स में मोस्टली जो अपर पार्ट है वो वाइडर होता है, ठीक है, वहाँ पे गैदर्स फॉर्म होते हैं एंड देन नैरो साइड जो नीचे का रिस्ट का पोर्शन है वहाँ पे वो फिटेड रहती है। सो ये जो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वहाँ पे गैदर्स फॉर्म हुए हैं। ओके, द लेंथ ऑफ लेगो मटन स्लीव्स इज वाइड एट अपर स्लीव्स एंड क्लोज फिटिंग एज अ रिस्ट। ओके, सो स्टार्टिंग में आपको ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेस अ बेसिक प्लेन स्लीव्स, ठीक है, फुल स्लीव्स का ड्राफ्ट आपको ट्रेस करना है इंक्लूडिंग ऑल मार्किंग। एच पॉइंट मार्क करना है, पिच पॉइंट आपको मार्क करना है। देन सेकेंड पॉइंट, ए टू बी लाइन इज अ सेंटर ऑफ स्लीव्स। ए टू बी लाइन इज अ सेंटर ऑफ स्लीव, सेंटर लाइन आपको क्रिएट करनी है। जब भी आप ये ड्राफ्ट ट्रेस करते हो तो मेक श्योर आपको बैक का स्लीव्स क्राउन ही ट्रेस करना है। ओके, देन सेकेंड सेंटर ए टू बी लाइन आपने क्रिएट की है, एच पॉइंट पिच पॉइंट मार्क करना है, बोथ साइड आपको मार्क करना है, लेफ्ट साइड पे एच वन पॉइंट आपको मार्क करना है। एंड जो ए टू बी लाइन है, ए पॉइंट जहाँ पे आपने फॉर्म किया उसके राइट साइड पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है, पॉइंट मार्क करना है, उसका नाम देना है एंड पॉइंट। ओके, सो एंड पॉइंट आपको मार्क करना है। देन आर टू आर वन बाइसेप लाइन। ओके, बाइसेप लाइन अपने इसके पहले इसमें किया था। ओके, एक स्लीव्स में यूज किया है, सो सेम वही बाइसेप लाइन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, लाइन फॉर्म करनी है, लाइन को आपको मार्क करना है आर टू आर वन पॉइंट। ओके, ये है बाइसेप लाइन। देन आर टू टी, आर टू टी आपको नीचे की साइड पे 3 inches पे एक पॉइंट मार्क करना है एंड देन वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है। ओके, वहां पे पॉइंट मार्क करो टी वन, सो टी टू टी वन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई। ओके, देन एच एच पॉइंट टू पी पॉइंट। ओके, एच पॉइंट पिच पॉइंट है, एच पॉइंट टू पी पॉइंट आपको हाफ इंच लेना है। ओके, हाफ इंच पॉइंट आपको मार्क करना है पी पॉइंट, सेम लेफ्ट साइड पे एच वन टू एस हाफ इंच आपको पॉइंट मार्क करना है। देन जो बाइसेप लाइन है, बाइसेप लाइन से आपको ये लाइन क्रिएट करनी है एस पॉइंट तक एंड सेम ये बाइसेप लाइन से पी पॉइंट पे आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये ड्राफ्ट की लाइंस क्रिएट हो जाएगी। देन आपको नेक्स्ट स्टेप करना है स्लैश एंड स्प्रेड मेथड्स। ओके, क्योंकि आपने पहले ही इमेज में देखे है कि स्लीव्स की कैप के साइड पे गैदर्स फॉर्म हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो ऊपर का जो पार्ट है वहां पे गैदर्स फॉर्म करने हैं, नीचे की साइड पे हेम लाइन या रिस्ट के वहां पे आपको गैदर्स फॉर्म नहीं करने हैं। ओके, देन सेकेंड स्टेप है आपको कट एंड स्प्रेड यूज करना है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, सेम वही पॉइंट्स आपको मार्क किए हैं, ठीक है, सेम वही पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद आपको जो ए टू बी लाइन है वहां पे, ओके, ए टू बी लाइन पे ए टू टी पॉइंट, ये जो बाइसेप लाइन से नीचे हमने थ्री इंच पे एक पॉइंट मार्क किया था, लाइन क्रिएट की थी, वहां तक आपको ये पॉइंट मार्क करना है और वो लाइन कट करनी है। ओके, तो यहाँ पे एक जस्ट एक पॉइंट आपको जस्ट एक स्किप करना है, मतलब एक लाइन का आपको गैप रखना है, तो ए पॉइंट से आपको कट करते हुए यहां तक आपको लेना है। ओके, सेम पी पॉइंट से बाइसेप लाइन आपको लेना है, कट करना है, देन बाइसेप लाइन से एस पॉइंट तक आपको कट करना है, एस के वहां पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है। ओके, यहाँ पे इमेज में यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, ये कट किया है यहाँ से यहाँ तक, पी पॉइंट के वहां पे भी एक लाइन फॉर्म हुई है, बीच में कट किया है। ओके, देन सेम यहाँ तक आपने कट किया है टी लाइन पे। ओके, टी लाइन पूरी यहाँ से आपको लेफ्ट टू राइट आपको कट करना है, बिकॉज आपको ऊपर की साइड पे गैदर्स फॉर्म करने हैं। सेम आर के वहां पे एक लाइन का गैप रखना है, आर टू आर वन आपको यहाँ से यहाँ तक आपको कट करना है,
बोथ साइड आपको एक एक लाइन का गैप रखना है। ओके तो ये आपने मार्क किए हैं, तो वो पॉइंट्स आपको डिवाइड करना है, कट करना है। ओके सेंटर का जो पॉइंट है वो पूरा कट होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट होगा। ओके क्योंकि वो वहाँ पे ही आपको गैदर्स फॉर्म करना है। सो ये एज इट इज़ ये लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम दिखाया है वैसे ही आपको पॉइंट कट करके लेने हैं। ओके अभी यहाँ पे ये इमेज में आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट कट किया था, ये ए टू बी लाइन। ओके ये ए टू बी लाइन यहाँ पे मैंने फिर से एक मार्क किया है, क्योंकि हमने ये जो स्लीव्स है उसको ओपन किया है। सो ऑटोमेटिकली ये स्प्रेड आउट हो जाएगी बोथ साइड पे। तो यहाँ पे एक लाइन आपको फॉर्म करनी है जब भी आप सेकेंड स्टेप के लिए ये पेपर पेस्ट करते हो। ओके सो ये टी की जो लाइन है वो उसके ऊपर ये पोर्शन कट हुआ है। ओके सो डायग्राम में जैसे आपके पार्ट्स दिखे हैं तो पहले चेक करना है कि आपके सेम वही पार्ट्स कट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके देन उसके बाद सबसे पहले अभी ये जो आप पोर्शंस कट किए हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स कंपलसरी यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं। ओके तो आपको जस्ट ये लेफ्ट साइड पे एक बार पहले तीनों भी पार्ट्स ये नीचे ओके ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपको ये स्टिक करके लेना है। जब आप ये स्टिक करते हो तो जितना आप उसको स्प्रेड कर सकते हो उतना प्रॉपरली उसको स्प्रेड करना है, बिकॉज उसमें उतने वो प्रॉपरली गैदर्स फॉर्म हो गए। सो फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे पहले स्टिक करना है, अराउंड एक या दो लाइन का गैप वहाँ पे फॉर्म होता है। ओके सो पहला पार्ट स्टिक करना है, देन सेकेंड पार्ट यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो तो लेफ्ट साइड पे ये पेपर ज्वाइंट ही है। ओके सो यहाँ पे ज्वाइंट है तो जितना वो स्प्रेड हो सकता है उतना वो प्रॉपरली स्प्रेड करना है। सेम फिर सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पे ये ज्वाइन करना है, एंड देन लेफ्ट साइड पे एज इट इज पेपर स्टिक है तो उसके आगे का पोर्शन जितना स्प्रेड हो सकता है वो पूरा स्प्रेड करना है। जैसे लेफ्ट साइड पे आपने किया है सेम फिर राइट साइड पे आपको करना है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास ये मेजरमेंट्स आ जाते हैं कि सेंटर लाइन से ये पॉइंट कितना हुआ है, सेंटर लाइन से ये ए पॉइंट कितना आया है। तो सेम विथ आपको लेफ्ट राइट साइड से भी वही पॉइंट मार्क करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे अगर 3 इंच आता है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे भी 3 इंच आपको लेना है पेपर में, तो सिमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगा। ओके सो ये जो पॉइंट आपने यहाँ पे स्टिक किया है तो सेम विथ यहाँ पे भी चेक करना है कि सेम डिस्टेंस वहाँ पे फॉलो हुआ है क्या। ओके एंड देन फिर ये फर्स्ट आपको पैटर्न कट स्टिक करना है, देन सेकेंड स्टिक कर लो एंड थर्ड अगेन सेम करना है। यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की है मैंने। ओके ए टू एन का पॉइंट प्रॉपरली स्प्रेड आउट हुआ, तो अभी लेफ्ट एंड राइट साइड पे आप देख रहे हो अराउंड 4 to 5 inches लेफ्ट साइड पे, तो सेम राइट साइड पे भी उतना ही पोर्शन स्प्रेड आउट हुआ है। ओके उसके बाद ये जो पॉइंट दिया है ए टू बी एन का लाइन जो क्रिएट की है, ओके वहां से आपको ऊपर की साइड पे 4 inches ऐड करना है स्लीव्स कैप फॉर्म करने के लिए, तो वहां पे उतना पोर्शंस हो बल्किनेस आ जाएगा, गैदर्स फॉर्म हो जाएगा। ओके तो ये ए टू एन की लाइन से आपको 4 inches अपसाइड लेना है, एंड देन ये जो साइड का जो पार्ट है उसमें आपको न्यू स्लीव्स कैप क्रिएट करनी है। ओके सो क्लियर है ये 4 inches ऊपर कैसे लेना है एंड देन न्यू क्राउन शेप कैसे करना है। ओके सो ये पूरा पोर्शन रेडी हो जाता है, यहाँ पे ये स्लीव्स रेडी हो जाएगी। ओके 4 inches जब आप अपसाइड पे लेते हो न्यू स्लीव्स क्राउन क्रिएट करते हो देन ये स्लीव्स रेडी होगी। उसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं स्लीव्स कैप के वहाँ पे आपको 1/2 inch ऐड करना है एज इट इज अपने पैटर्न के लिए लेते हैं सेम वही। देन ये साइड पे आपको नैरो जो पोर्शन आ रहा है वहां पे आपको 1/2 inch लेना है, हेम लाइन पे अगेन 1/2 inch आपको पोर्शंस लेना है, दैट्स इट। ओके सो ये सेम मेथड फॉलो करना है एंड देन ये ड्राफ्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम ड्राफ्ट लेंगे मैंड्रिन कॉलर का। ओके यहाँ पे आपके स्लीव्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन नेक्स्ट है मैंड्रिन कॉलर। मैंड्रिन कॉलर आप यहाँ पे इमेजेस में देख रहे हो कि ये जो पोर्शन आपको कॉलर का दिख रहा है ये है मैंड्रिन कॉलर का। मैंड्रिन कॉलर सिमिलर दिखती है नेहरू कॉलर जैसे। ओके इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि नेहरू कॉलर जो है तो यहाँ पे फ्लैट हो जाती है ये पोर्शन पे और मैंड्रिन कॉलर स्टैंड रहती है, ये स्टैंड कॉलर का टाइप है। ओके सो मैंड्रिन कॉलर में ये जो पोर्शन है ये जो स्टैंड की जो पट्टी रहती है अराउंड 1 inch या मैक्सिमम 2 inches तक रहती है, उससे ज्यादा ये नहीं होती है। उसका सामने का पोर्शन आप देख रहे हो फ्रंट का पोर्शन,
फ्रंट का पोर्शन यहाँ पे एज फॉर्म हुआ है, राउंडेड एजेस रहते हैं, राउंडेड शेप आता है या फिर स्क्वायर रहता है, ओके। एंड देन मोस्टली सेंटर में एक स्लिट फॉर्म होती है, ठीक है। कुर्ता पैकेट प्लैकेट आ सकता है या फिर शर्ट ओपनिंग का जैसे पोर्शन है वो यूज होता है, ओके। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है शर्ट ओपनिंग का पैटर्न दिख रहा है, एंड देन फिर यहाँ पे कॉलर के एज पे आपको राउंडेड शेप क्रिएट हुआ दिख रहा है, ओके। ये स्टाइल है मैंडेड कॉलर, ओके। अभी कॉलर आप जब करते हो तो कॉलर में सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था नेक का राउंड मेजरमेंट आपको प्रॉपरली लेना है, जैसे आपने कन्वर्टेबल कॉलर के लिए था सेम वही मेजरमेंट राउंड नेक का आपको मैंडिंग कॉलर के लिए भी यूज होगा, ओके। सो सबसे पहले ए टू बी नेक राउंड डिवाइडेड बाय 2, 16 होगा तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 इंचेस, ओके। सो ए टू बी 8 इंचेस रहेगा, सेम विथ सी टू डी 8 इंचेस, ए टू सी स्लीव्स लेंथ 1 इंच, आपको 1 इंच लेना है स्लीव्स लेंथ, ओके। सेम बी टू डी 1 इंच होगा, देन बी टू ई 3/4 इंच अप साइड लेना है आपको फॉर बटन स्टैंड पट्टी, ओके। स्टैंड पट्टी के जो पोर्शन रहेगा उसके लिए आपको 3/4 इंच ऐड करना है बी टू ई। सेम डी टू एफ 3/4 इंच आपको अप साइड लेना है एंड देन डॉटेड लाइन क्रिएट करना है, ओके। ये लाइन क्रिएट होने के बाद आपको जस्ट एक डी टू ई का पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे जस्ट एक कर्व शेप फॉर्म हुआ है, ओके। जस्ट एक यहाँ पे कर्व शेप फॉर्म हुआ है, सो सेम आपको वो ड्रॉ करना है, तो डी पॉइंट से लेके आपको ई पॉइंट तक आपको ज्वाइन करना है। तो एफ का जो पोर्शन है, एफ टू ई की लाइन है, वहां पे ये सेंटर तक ये मर्च हो जाएगा, ओके। सो ये शेप जो सामने का सेंटर फ्रंट का पार्ट है वो ये रहेगा, ओके। सेंटर बैक पे अनफोल्ड है, सो यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म हो गया है, देन डी टू ई कर्व शेप फॉर्म किया है, देन उसके बाद जो ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। ये 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, तो ए टू बी का पोर्शन चेक करना है आपको अराउंड, अगर 8 इंचेस आते हो तो डिवाइडेड बाय 4 करना है, एंड देन सेम इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। मेक श्योर ए टू बी ही पॉइंट आपको चेक करना है, ए टू ई लेना नहीं है, सो ए टू बी डिवाइडेड बाय 4 करना है एंड देन ये कैलकुलेट करना है, ओके। सो यहाँ पे आपने ड्राफ्ट रेडी किया है, स्क्वायर आ गया है, चारों लाइंस क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट आपको इसमें स्लैश एंड स्प्रेड मेथड यूज करनी है, ओके। बट सिर्फ इसमें ये चेंज है कि स्लैश एंड स्प्रेड नहीं करना है, बिकॉज आप कॉलर की आपने स्टाइल देखी है, सो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा गैदर्स या फिर कुछ फुलनेस ऐड नहीं हुआ है, ओके। और यहाँ पे नेक के पोर्शन पे वो पोर्शन नैरो हुआ है, कम हुआ है, जो नीचे की जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ की लाइन ब्रॉड है और ऊपर की लाइन कम है, तो यहाँ पे आपको स्लैश एंड स्प्रेड मेथड नहीं यूज करना है, स्लैश एंड ओवरलैप मेथड यूज करना है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्किंग की, ये पोर्शन अगर मैं 1 के पॉइंट पे ओवरलैप करूंगी देन ऊपर का पोर्शन कम होगा, ओके। तो ऑटोमेटिकली नेक के वहां पे वो प्रॉपरली बैठेगा, ओके। सो आपने ये जो पहले की लाइन है, ये पहले की लाइन है आपकी, ओके। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो फर्स्ट वाली जो लाइन आपने की है वो है, देन आपको लेफ्ट साइड पे 1/4 इंच पे एक डॉटेड लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। हर एक पैनल में आपको वो 1/4 इंच पे एक डॉटेड लाइन क्रिएट करनी है, मार्क देना है, मार्क पॉइंट करना है 1, देन सेकेंड पैनल पे आपको डॉटेड लाइन क्रिएट करना है, सेकेंड मार्क करना है, देन थर्ड लाइन पे सेम लेफ्ट साइड पे डॉटेड लाइन क्रिएट करना है, वहां पे थर्ड पॉइंट मार्क करना है, फोर्थ पार्ट पे यहाँ पे आपको नहीं करना है, ओके। सो ये जो क्रॉस मार्किंग यहाँ पे मैंने दिखाई है वो जो पार्ट है आपको वहां से कट करना है, ठीक है। कट एंड ओवरलैप कैसे करना है, तो ये जो क्रॉस मार्किंग है वहां से आपको कट करना है, यहाँ पे एक लाइन का आपको पेपर पे एंड करना है, वहां तक कट करना है, ठीक है। पूरे पार्ट दोनों अलग नहीं करना है, तो यहाँ तक आपको इसको कट करना है एंड देन ये पार्ट को आपको लेफ्ट साइड पे ये जो लाइन है वहां पे स्टिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये 1/4 इंच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। सेम सेकेंड का पोर्शन वैसे ही करना है, ये स्ट्रेट लाइन आपको
यहाँ से यहाँ तक कट करनी है, एंड देन जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर आपको पेस्ट करना है। थर्ड पार्ट सेम वैसे ही आपको पेस्ट करना है। ओके सो ये पूरे पार्ट रेडी स्टिक होने के बाद ये नीचे जो आपको इमेज दिख रही है वैसे वो पोर्शन क्रिएट हो जाता है। एंड देन सिर्फ सेंटर बैक का पोर्शन छोड़ के आपको बाकी के सब साइड पे आपको 1/4 इंच पैटर्न लेना है। 1/4 इंच और हाफ इंच, हाफ इंच यूज करो। सो सेंटर फ्रंट सेंटर बैक का पोर्शन आपको छोड़ के बाकी सब तीनों भी पार्ट्स आपको 1/4 इंच का सेम अलाउंस लेके आपको मार्किंग करने हैं। ओके एंड देन यहाँ पे ये ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। थैंक यू।